दस एकड़ के मूर्ति जो भांग गए मत टूट गए, इसके बारे में कुछ पूछी जा रहा है। ये ममता जी का षड्यंत्र, मैं समझता हूँ कि अब तो सबके सामने बात स्पष्ट हो गई कि हम तो हमारा रोड शो कर रहे थे, अंदर उनके लोग थे, बाहर हमारे लोग थे। मूर्ति दो कमरे के अंदर थी जहाँ पर कि टीएमसी की गूंज और टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अंदर गए ही नहीं, और इसकी जाँच हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें तदुदुर पानी पानी बिल्कुल साफ हो जाए। इस षड्यंत्र कैसे ओपन हो सकता है आम पब्लिक के अंदर? आप क्या कोई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं सीबीआई? हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो जिसमें राज्य स्तर के अधिकारियों की भूमिका नहीं, चाहे वो न्यायिक जांच हो, चाहे एक हाईकोर्ट के जज की एक कमेटी बना दे वो जाँच करे, पर राज्य के अधिकारियों से जाँच कराएंगे तो जाँच निष्पक्ष रहेगी। कल पार्थो चटर्जी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला कि अब जो बीजेपी है उनका तो बंगाल का कल्चर मालूम नहीं, इसलिए तो विद्यासागर कौन है वो तो पहचानते ही नहीं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पार्थो को अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि वो चिटफंड के अपराधी है और उन्होंने चिटफंड कंपनी को खड़ा करके लोगों का करोड़ों रुपया लूटा है, और थोड़े दिनों बाद पार्थो भी जेल जाने वाले। हम पार्थो को भी पहचानते हैं, उनके कृत्यों को भी पहचानते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं जिन्होंने गरीबों का चिटफंड कंपनी के माध्यम से पैसा लूटा है, और उनकी जांच सीबीआई कर रही है। पार्थो के विरुद्ध आपका कोई साबित है नहीं, या फिर पॉलिटिकल के दारियां जो आपके बोला है वही साबित है? साबित क्या, सबके पास है। उन्होंने पार्थो ने कार्यक्रम में कहा है कि इस चिटफंड कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, और वो चिटफंड कंपनी पैसा लेकर भाग गई। मुझे जानकारी है कि उनके चिटफंड कंपनी वालों के पार्थो के पारिवारिक संबंध है, जांच के दौरान सब सामने आ जाएगा। थैंक यू, ठीक है।